महंगाई से जूझ रही दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी की सरकार जोरदार झटका दे सकती है। दिल्ली सरकार जल्द ही ऑटो का किराया बढ़ा सकती है। दरअसल इस मुद्दे पर परिवहन विभाग में बैठक हुई है, जिसमें किराया बढ़ाने के लिए दो प्रस्ताव रखे गए हैं। पहला, ऑटो का किराया 8 रुपए प्रति किलोमीटर से बढ़ा दिया जाए और दूसरा, वेटिंग चार्ज का नया स्लैब तैयार कर इसे 60 रुपए से अधिक प्रति घंटा कर दिया जाए, यानी जाम में फंस जाने पर कम से कम प्रति घंटा के हिसाब से चार्ज किया जाए। करुणा ठाकुर की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।